नमस्कार तमाम भट्टू दर्पण न्यूज चैनल दर्शकों को। अगर आप भट्टू दर्पण न्यूज चैनल के समाचारों के साथ अपडेट रहना चाहते हैं तो लाल रंग के बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें व शेयर करें। समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करें 94666-91540। आज के मुख्य समाचार। विश्राम ग्रह भट्टूकला में किढ़ान निवासी पवन सागर को वित्त मंत्रालय भारत सरकार के आर्थिक विभाग की संयुक्त सलाहकार हिंदी समिति के सदस्य के रूप में मनोनीत किए जाने के उपलक्ष्य में अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा जगत और सामाजिक क्षेत्र के अनेक लोगों ने उन्हें बधाई देते हुए कहा है कि हम सब के लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि हमारा साथी भारत सरकार के राजपत्र में स्थान पाकर संपूर्ण ग्रामीण प्रतिभाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं। स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन हरियाणा के जिला अध्यक्ष हवा सिंह बागड़ी व प्रसिद्ध साहित्य सेवी बलराज ने पवन सागर के समाज के वंचित वर्गों के उत्थान हेतु किए गए कार्यों और प्रयासों की भूरी भूरी प्रशंसा की। इस अवसर पर सरपंच सुरेंद्र पवा, बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी सतबीर दुबका, डॉक्टर राजाराम, डॉक्टर शेन कुमार, डॉक्टर संजय पूनिया, डॉक्टर विजय गोयल, सुभाष बेनीवाल, दिल सुखराम, राजेश बेनीवाल, जयवीर लोयल, कैलाश भादु, देवेंद्र जाजड़ा, इंद्रजीत सिंह, प्राध्यापक सुभाष सहित शिक्षा जगत और सामाजिक क्षेत्र के अनेक लोग शामिल हुए और उन्होंने उन्हें बधाई दी। प्रचार प्रसार के लिए ये और एक समिति सरकार को समय समय पर अनुशंसा करेगी और वो ये सारी रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को सीधे सौंपी जाएगी। संसद में इनकी सलाह पर विचार किया जाएगा और ये हमारे पूरे क्षेत्र के लिए विशेष गौरव का विषय और विशेषकर हम सब लोग यहाँ जो बैठे हैं सामान्य पृष्ठभूमि से जुड़े हुए लोग हैं, अति विशिष्ट श्रेणी से नहीं है, तो हमारे लिए तो और भी बहुत बड़े गौरव की बात है कि हमारे जैसा एक सामान्य सा व्यक्ति भारत सरकार के राजपत्र में इतना महत्वपूर्ण स्थान पाता है। भले ही इनको अभी पता नहीं है कितना मौद्रिक फायदा होगा, मैं मानता हूँ मौद्रिक फायदा हो या ना हो कोई बात नहीं है, आर्थिक फायदा ना हो, लेकिन ये राजपत्र में नाम प्रकाशित होना ही ये हम सब के लिए निश्चित तौर पर गौरव का विषय है। तो अभी प्रतीक स्वरूप हम पवन जी को बलराज जी रंगकर्मी जो पत्रकार बंधु उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे नहीं पता कि ये जो दायित्व तो मुझे मिला ये छोटा या बड़ा है, क्योंकि हमने इस तरह के कागज़ कभी देखे नहीं और हमारी पृष्ठभूमि आपसे किसी से छुपी हुई नहीं। बहुत से घर तो ऐसे हैं जिनमें हमारे पास में कहीं जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलता, कहीं कोई दूसरा डॉक्यूमेंट जो कोई कागज है वो नहीं मिलता, बैंक की चीज़ें नहीं मिलती। तो आप देखिए कोई मूल निवास का हमारे पास कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलता, अभी तक ये स्थिति है।